देखो यार थर्टी थाउजेंड रुपीज की रेंज को मैं एक फ्यूचर प्रूफ फ्लैगशिप किलर फोन लेने के लिए एक परफेक्ट प्राइस पॉइंट मानता हूँ बेस्ट गेमिंग फोन्स जो कि आप थर्टी थाउजेंड रुपीज की रेंज में खरीद सकते हैं यार जैसे बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनीज पीसी की गेम्स को मोबाइल डिवाइसेस में लॉन्च करने का अनाउंस कर रही है वैसे वैसे पावरफुल फोन भी आउटडेटेड होते जा रहे हैं सो यार मैंने केवल डिमेसिटी ट्वेल्व हंड्रेड यू एंड स्नप ड्रेगन एट चिपसेट वाले फोन ही इंक्लूड कर रहे हैं ये दोनों ही प्रोसेसर बेस्ट पॉसिबल चिपसेट है जो की थर्टी थाउजेंड की रेंज आपको ऑफर करने की क्षमता रखती है प्रोसेसर ही नहीं डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट एंड टच सैम्पलिंग रेट जैसी छोटी छोटी बातों का भी इस लिस्ट को बनाने से पहले मैंने ध्यान में रखा है दोस्तों दिस वीडियो इज ऑल अबाउट टॉप बेस्ट गेमिंग अंडर इन को शुरू करते हैं एक वैल्यू फॉर मनी फोन से लिस्ट में नंबर पे आता है रियलमी एक्सवन मैक्साइव जी स्मार्टफोन एक काफी वैल्यू फॉर मनी फोन है थर्टी थाउजेंड रुपीज के अंदर इस फोन का ट्वेल्व जीबी रैम वेरियंट भी आपको मिल जाएगा साथ ही सिर्फ गेमिंग ही नहीं ओवरऑल भी रियलमी एक्सवन मैक्स एक बैलेंस फोन साबित होता है ट्वेल्व जीबी ऑफ रैम एंड टू फिफ्टी जीबी की स्टोरेज आपको इस फोन में मिल जाएगी सिक्स पॉइंट फोर थ्री इंच एच डी प्लस अवेलेबल एंड डिस्प्लेवें का फ्रंट कैमरा अवेलेबल है डिमेटे ट्वेल्व हंड्रेड यू विदाउट एनी सिंगल डाउट एक बहुत अच्छा चिपसेट है बट बात देन दोस्तों के तीन फोनों में आपको थाउजेंड रुपीज के अंदर स्नैप ड्रेगन एट सेवेंटी मिल रहा है सो इन

यार बहुत ही सॉलिड बिल्ड है इस फोन की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है कैमरा थोड़ा बेकार है गेमिंग रिलेटेड हेप्टिक्स एंड ट्रिगर्स ये फोन होल्ड करता है इन शॉर्ट में आपको बताऊ ना देन कंपनी ने इस फोन को केवल गेमिंग के लिए ही बनाया है यू कैन से दैट दिस फोन इज गेमिंग ओरियंटेड एंड काफी अच्छे से आपकी गेमिंग इंटेंशन ये फोन फुलफिल करने में कैपेल है एट जी बफ राम टू फिफ्टी सिक्स जीबी की स्टोरेज आपको इस फोन में मिलेगी सिक्स पॉइंट इंच एच डी प्लस एमोल डिस्प्लेबल एंड वन ट्वेंटी हर्च की रिफ्रेश डिस्प्ले होल्ड करता है फाइव थाउजेंड सिक्स एम ए एच ऑफ बैटरी इज अवेलेबल विद सपोर्ट सिक्स सेवन वोट ऑफ फास्ट चार्जिंग इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट स्कैनर नहीं मिलताइ माउंड फिंगर प्रिंट स्कनर इज अवेलेबल सिक्सटी फोर प्लस एट प्लस टू मेगा पिक्सल का रियर एंड सिक्स मेगा क्स का फ्रंट कैमरा यह फोन आपको ऑफर करता, करता है अगर आपको ऐसा फोन चाहिए जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ रिलेटेड फीचर्स भी फॉर यू और दोस्तों पोको एफ फोर जी टी भी आने वाला है बट ये बात याद रखना पोको एफ फोर जी टी आपको के ही मिलेगा सो दो हजार बाईस में भी थर्टी थाउजेंड रुपीज की रेंज में पोको एफ थ्री जी टी गेमिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है यार ये अपकमिंग फोन बहुत हल्का है गेमिंग के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पहले ये फोन थोड़ा महंगा था बट नाउ इट्स अंडर दोस्तों एट नंबर वी हैव एक्स फाइव जी फोन अराउंड दो सौ ग्राम का फोन है ये बहुत हैंडी फील होता है भी काफी सही थर्टी थाउजेंड रुपीज के अंडर मी इलेवन एक्स में आपको एट जीबी की रैम एंड वन ट्वेंटी एट जी की स्टोरेज मिलेगी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंच एच डी प्लस एमोलेड डिस्प्ले ये फोन आपको ऑफर करता है यार वन ट्वेंटी हर्ट की रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाएगी कैमरा भी इस फोन का काफी डिसेंट सा है ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलता है एंड फॉर गेमिंग परफॉर्मेंस स्नेप्रेगन एट सेवेंटी चिपसेट ये फोन आपको ऑफर करता है एंड लेट मी टेल यू इस चिपसेट से बेहतर चिपसेट थर्टी थाउजेंड रुपीज की रेंज आपको ऑफर नहीं कर पाती स्नैप ड्रेगन एट सेवेंटी एक बहुत ही अच्छा चिपसेट है जीपीओ भी आपको एट सेवेंटी में बहुत अच्छा मिलता है गेमिंग वीडियो रेंडरिंग मल्टीटांग सभी चीजों में एट सेवेंटी डिमेंसिटी ट्वेल्व हंड्रेड यू से बेहतर है एंड स्नैप ड्रेगन एट सेवेंटी फ्यूचर प्रूफ चिपसेट भी है एक दो साल में आने वाले सीओडी डी वॉर्जन मोबाइल एपेक्सेंट मोबाइल एंड वेलोरेंट मोबाइल जैसे गेम्स स्नैप ड्रेगन एट सेवेंटी चिपसेट्स वाले फोन में आप बिल्कुल उज फाइव हंड्रेड ट्वेंटी है दोस्तों एक बहुत ही बैलेंस फोन है ये मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इस फोन में अच्छा नहीं मिलता डिस्प्ले बैटरी चिपसेट सब कुछ ये फोन काफी अच्छा आपको ऑफर करता है एट जीबी की रैम एंड एट जीबी की स्टोरेज आपको मिल जाएगी सिक्स पॉइंट सिक्स इंच का फुल एच ओडी प्लस एमोलट डिस्प्ले अवेलेबल है 120

काफी सही है कैमरा सेटअप भी इस फोन का काफी अच्छा है फोर्टी एट प्लस थर्टीन प्लस टू मेगा पिक्सल्स का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको मिलता है एंड यार कैमरा काफी अच्छा है इस फोन के फोर्टी एट मेगा के प्राइमरी रियर कैमरे में आपको सोनी के आई एम एक्स फाइव नाइन्टी एट सेंसर मिलते हैं एंड इस फोन का नाइट मोड भी काफी अच्छा है ओवरऑल एक परफेक्ट फोन बन जाता है थर्टी थाउजेंड रुपीज का आपको मिल जाएगा बट ट्वेल्व जीबी रैम वेरियंट इस फोन का आपको थर्टी टू थाउजेंड रुपीज का मिलेगा थर्टी थाउजेंड रुपीज के रेंज में गेमिंग के लिए इस फोन से बेहतर ऑप्शन मुझे नहीं लगता कोई है आठ नंबर वन वी है रियलमी जी GT Neo 2. इस फोन की सबसे खास बात है इसका डिस्प्ले 6.62 पॉइंट इंच का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले आपको मिलता है डिस्प्ले में आपको की की रिफ्रेश रेट रेट है एंड यार टच इस फोन में जो की बहुत सही है गेमिंग इस फोन का डिस्प्ले आपको बहुत स्मूथ लगेगा टच रिस्पॉन्स भी आपको काफी अच्छा मिलेगा एंड यार इन कम्पेरिजन लिस्ट के अच्छे से अच्छे फोन में भी आपको मैक्सिमम थ्री हंड्रेड हर्ट की टच सैप्लिंग रेट मिली है बट रियलमी जी टी नियो टू आपको हर्ट्स की रिफ्रेश रेट के साथ साथ सिक्स हंड्रेड हर्ट्स की टच सैप्लिंग रेट भी ऑफर करता है एट जीबी की रैम एंड वन ट्वेंटी एट जीबी की स्टोरेज आपको मिलेगी स्नैप ड्रेगन एट सेवेंटी चिपसेट जी टी नियो टू भी आपको ऑफर करता है फाइव थाउजेंड एम एच की बैटरी अवेलेबल है यार 65 की फास्ट चार्जिंग भी आपको मिलेगी सिक्सटी फोर प्लस एट प्लस टू मेगा पिक्सल्स का रियर एंड सिक्सटीन मेगा पिक्सल्स का फ्रंट कैमरा अवेलेबल है यार इस फोन में कोई कमी नहीं है डिस्प्ले बैटरी चिपसेट सब कुछ आपको अच्छा मिलता है डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस वन एक्जैक्टली थर्टी थाउजेंड रुपीज का रियलमी जी टी नियो टू आपको मिल जाएगा सो so यार ये वो सभी गेमिंग फोन ऑप्शन है जो की तीस हजार रूपए के आसपास आपको बेस्ट वैल्यू ऑफर करते है मैं कहूंगा वही फोन खरीदना जिसमें आपको स्नैप 870 चिपसेट मिल रहा है गेमिंग फोन्स विद 870 चिपसेट ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको ऑफर करते हैं फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट्स में आके मुझसे पूछ लो अब गेमिंग फोन के बाद गेमिंग हेडफोन भी तो खरीदोगे ना राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो एंड बजट में आने वाले बेस्ट गेमिंग हेडफोन ऑप्शन देख लो बट आज की इस वीडियो के लिए इतना ही एंड एज आई विल मीट यू इन दी ने